तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिंदी 50 क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, 50 क्वेश्चन जो कि तुलसीदास जी के हैं। तुलसीदास जी से रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो आप एंड तक देखते हैं तो आई होप आपको एग्जाम में पूरी तरह से हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को मालूम है तुलसीदास जी से रिलेटेड बीए फर्स्ट ईयर हिंदी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं पूरे 50 यानी 50 क्वेश्चन बताऊंगा। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन पिछले कई सालों में पूछे जा चुके हैं और कई बार रिपीट हुए हैं, तो आई होप आपको पूरी हेल्प मिलेगी। बस आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, तुलसीदास कालिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तुलसीदास को कालिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तो नंबर एक है रहीमदास, बी नंबर कुंभन दास, और सी नंबर है नाभादास, डी नंबर है नंददास। तो क्वेश्चन का जिन स्टूडेंट का राइट आंसर मालूम है बेशक बता सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, नाभादास, कालिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा था तुलसीदास जी को। ठीक है, और हाँ, ये सारे क्वेश्चन मैंने 30 क्वेश्चन शायद या 25 क्वेश्चन की वीडियो मैंने पहले भी बना दी थी। ठीक है, काफ़ी दिन हो गए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि तुलसीदास जी से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम। तो मैंने सोचा पूरे 50 क्वेश्चन ले चलते हैं, जिससे तुलसीदास जी से रिलेटेड कोई मैटर ही ना रह जाए। ठीक है, तुलसीदास के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, तो इस वीडियो में वही मैं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस का प्रथम कांड कौन सा है? नंबर एक है लंका कांड, बी नंबर आरण्यकांड, सी नंबर बालकांड, डी नंबर उत्तरकांड। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ज़्यादा मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी होगी, क्योंकि 50 क्वेश्चन है पूरे। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, बालकांड। रामचरितमानस का जो प्रथम कांड है वो है बालकांड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैरवे रामायण में कुल कितने छंद हैं? नंबर एक 30, बी नंबर है 80, और सी नंबर है 50, और डी नंबर 59। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, 59। वैरवे रामायण में जो छंदों की संख्या है वो है 59, यानी कि 61। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो मिस मत करिएगा, अदरवाइज आप बाद में मत बोलिएगा कि सर जो आपने बताया था उसमें से क्वेश्चन आए नहीं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को पूरी देखिए, समझिए, तभी तो आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। बस ज़्यादा टाइम आप लोगों को वेस्ट नहीं करूँगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेनी माधव ने तुलसीदास का जन्म कहाँ माना है? नंबर एक प्रयाग, बी नंबर है सोरो, सी नंबर है राजापुर बांदा, और डी नंबर है इलाहाबाद। तो दोस्तों जो तुलसीदास जी हैं, इनके जन्म के स्थान के और जन्म के सन के बहुत सारे मतभेद हैं, यानी कि किसी कवि के अकॉर्डिंग इनका कहाँ पर जन्म हुआ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सोरो में हुआ, बहुत लोग बोले बांदा में हुआ, बहुत लोग बोल रहे हैं कि राजापुर में हुआ है। सन भी में इसी तरह कन्फ्यूजन है, लेकिन जो बेनी माधव के अनुसार इनका जन्म माना है बेनी माधव ने, वो माना है राजापुर बांदा में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सिया राम मैं सब जग मजानी किस कवि का ध्येय वाक्य है? नंबर एक कबीरदास, बी नंबर तुलसीदास, और सी नंबर सूरदास, डी नंबर जायसी। तो आई होप मैं बात इस वीडियो में कर रहा हूँ सिर्फ तुलसीदास जी के बारे में, तो राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा? नंबर एक मोनियर विलियम, बी नंबर है स्मिथ, और सी नंबर है ग्रेसन, और डी नंबर है गिलक्राइस्ट। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ग्रेसन ने कहा था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के जर्नली भी जानना जरूरी है, भले एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, आपको ऐसे भी जानना चाहिए क्वेश्चन। नंबर एक अवधि, बी नंबर ब्रज, सी नंबर संस्कृत, और डी नंबर है तमिल। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, रामचरितमानस की जो भाषा वो अवधि में है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में तुलसीदास के मित्र कौन थे? नंबर एक बीरबल, बी नंबर कबीर, सी नंबर रहीम, और डी नंबर है अकबर। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, रहीम तुलसीदास के मित्र थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी का जन्म कहाँ माना है? ए नंबर है मिथिला, बी नंबर है नैमिषारण्य, बी नंबर है सी नंबर है सूकर खेत एटा, और डी नंबर है अवध। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि कुछ लोगों ने इनका जो जन्म माना था राजापुर बांदा में, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनका जन्म माना है सूकर खेत एटा में। ठीक है, तो मैंने बताया बहुत सारे मतभेद हैं,
तो आप क्वेश्चन को समझिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हजाई प्रसाद जी पूछ रहे हैं इनका जन्म कहाँ हुआ है, या बेनी माधव जी पूछ रहे हैं, या ठीक है तो सबके अकॉर्डिंग अलग अलग इनका जन्म मानते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में आप पूरे अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आपको एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आप एग्ज़ाम देकर आइएगा, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम अब स्टार्ट ही होने वाले हैं तो आपको तैयारी भी जोरों शोरों से करनी चाहिए। तो एग्ज़ाम होगा तो आप ये सारे क्वेश्चन, उसमें 50 क्वेश्चन बता रहा हूँ तो आपको 10-15 क्वेश्चन तो 100% देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर 10 नंबर आपको मिल रहे हैं सिर्फ एक वीडियो से जो कि 15 से 20 मिनट की है, तो सोचिए आप एक दो घंटे वीडियो देख लेंगे तो आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है, तो ये मान के चलिए। और ओमार सीट पे फर्स्ट ईयर वाले जो है उनका ओमार सीट पे एग्ज़ाम होना ही है, आप लोगों को पता है, कुछ यूनिवर्सिटी में रूल्स फ़िलहाल नहीं है लेकिन कुछ में तो हो गए हैं, तो ओमार सीट पे आप लोगों के एग्ज़ाम होने और चार ऑप्शन रहेंगे, जो करेक्ट रहेगा उसे आपको सिलेक्ट करना होगा और ओमार सीट में फिल कर देना होगा, लिखित नहीं होगा, सिर्फ आपको टिक करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तुलसीदास की भक्ति भावना कैसी है, नंबर एक भक्ति भाव, बी नंबर संख्या और सी नंबर दास से और डी नंबर माधुर्य। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर दास से भाव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि किसने कहा, नंबर एक अमृतलाल नागर, बी नंबर है नामवर सिंह और सी नंबर रामविलास शर्मा, डी नंबर है कबीर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर रामविलास शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी के रामचरितमानस में वक्ता के रूप में कितने घाट हैं, नंबर एक 5, बी नंबर 7 और डी नंबर है 4 और सी नंबर है 2, ठीक है। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या 4, ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहावली की रचना कब हुई थी, तो जो दोहावली श्री तुलसीदास जी की कृति है, ठीक है, रचना है, तो उसका जो रचना हुई थी वो हुई थी 1626 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकी मंगल क्या है, नंबर एक मुक्तक, बी नंबर है रूपक काव्य और सी नंबर प्रबंध काव्य और डी नंबर है गीत काव्य, ठीक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, प्रबंध काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की रचना कब हुई, तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर 1631 ईस्वी में, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, रामचरितमानस की रचना कितने समय में हुई थी, नंबर एक है 15, बी नंबर 2 वर्ष, सी नंबर है 11 और डी नंबर है 2 वर्ष 7 26 दिन। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम ही होगा, बताने की जरूरत ही नहीं है लेकिन मैं बताऊंगा भी, राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर 2 वर्ष 7 26 दिन लगे थे रामचरितमानस की रचना करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास की अंतिम रचना, नंबर एक पार्वती मंगल, बी नंबर जानकी मंगल, सी नंबर विनय पत्रिका और डी नंबर है कवितावली। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर कवितावली, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जानकी मंगल की रचना कब हुई, नंबर एक है 1700 से 1771 के बीच में और बी नंबर है 1800, सी नंबर है 1629 से 1630 में और डी नंबर है 1200। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 1629 से और 30 के बीच में हुई थी जानकी मंगल की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका किसकी कृति है, तो आई होप आज की इस वीडियो हम तुलसीदास जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास, विनय पत्रिका की जो विनय पत्रिका कृति है उसके जो रचनाकार हैं वो हैं श्री तुलसीदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैरवेर संदीपनी किस भाषा में, वैराग्य संदीपनी किस भाषा में लिखी गई है, नंबर एक छत्तीसगढ़ी, बी नंबर ब्रज भाषा, सी नंबर अवधी और डी नंबर है कन्नड़। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या ब्रज भाषा, ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कवितावली में कितने कांड है, नंबर एक 8, बी नंबर है 15, सी नंबर है 5 और डी नंबर है 7। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कवितावली में कुल कांड है 7, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। दोस्तों बोर जरा सा भी मत होइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बेटर के लिए बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन पढ़ने के लिए। वैसे मेरा जो
रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी कि आप लोगों तक क्वेश्चन प्रोवाइड करना। अब आप आगे देखें या ना देखें आपकी इच्छा है, क्योंकि आपकी भी रिक्वायरमेंट है कि हाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। तो इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है, आप ही के लिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतावली किसकी कृति है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास, ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है? नंबर एक अवधी, बी नंबर है भोजपुरी, सी नंबर है ब्रज भाषा और डी नंबर है मगही। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ब्रज भाषा में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तुलसी के पिता का क्या नाम था? नंबर एक देवदत्त, बी नंबर आत्माराम दुबे, सी नंबर है सखाराम दुबे और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था, तो आई होप आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। अभी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा आत्माराम दुबे, तुलसीदास जी के पिता का नाम था। जिन स्टूडेंट को लगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो बेशक नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तुलसीदास के माता का क्या नाम था? नंबर एक है रत्नावली, बी नंबर है विद्वत्मा, सी नंबर है दयावंती और डी नंबर है हुलसी। तो तुलसीदास जी की जो माता का नाम था वो था तुलसी, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तुलसीदास के पत्नी का क्या नाम था? नंबर एक रत्नावली, बी नंबर गंगा और सी नंबर है हुलसी, डी नंबर है सुनीता। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों रत्नावली, ए नंबर, तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी के दीक्षा गुरु कौन थे? नंबर एक रहीम, बी नंबर है नारायण नंद और सी नंबर है दादू और डी नंबर है मलुक। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, नरिहर नंद दास जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? अभी ऊपर बात हो रही थी कि कौन था दीक्षा गुरु, ठीक है, तो नरिहरानंद जी थे और यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि इसके शिक्षा गुरु कौन थे तुलसीदास जी के। तो नंबर एक है दादू, बी नंबर है कृष्णदास, सी नंबर से सनातन और डी नंबर है नंददास। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सी सनातन जी ए तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी? नंबर एक है 1950, बी नंबर है 1623 और सी नंबर है 1600, डी नंबर है 1520। तो इनके मृत्यु के और इनके जन्म के, इनके जन्म स्थान के बहुत सारे मतभेद हैं, ठीक है, तो एग्जैक्टली कोई भी नहीं कहा जा सकता है। जिन स्टूडेंट को एग्जैक्टली मालूम हो बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि 1623 है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है इनका क्या है? आपने ज़्यादा तुलसीदास की मृत्यु की जो यानी कि निधन जो हुआ था किस सन में हुआ था ज़्यादा इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, तो क्या पढ़ा है प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपके पाठ्यक्रम में मानस का कौन सा कांड संकलित है? नंबर एक बालकांड, बी नंबर लंका कांड, सी नंबर सुंदरकांड, डी नंबर है आरण्यकांड। यानी कि आपके बीए फर्स्ट ईयर हिंदी में कौन सा मानस कांड संकलित है, वो है कौन सा, ए नंबर बालकांड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैरव रामायण में कुल कितने छंद हैं? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, 59। फिलहाल मैंने क्वेश्चन आप लोगों को अभी ऊपर भी बताया था, ध्यान दीजिएगा दोबारा से क्वेश्चन आ गया है तो 59 देख लीजिएगा, आपका दोबारा भी रिपीट हो गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तुलसीदास किस शासक के समकालीन माने जाते हैं? नंबर एक बाबर, बी नंबर अकबर, सी नंबर शाहजहाँ और डी नंबर है बीरबल। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, अकबर, अकबर के समकालीन माने जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन सा एक ज्योतिष ग्रंथ है? नंबर एक विनय पत्रिका, बी नंबर वैव रामायण और सी नंबर है रामज्ञा प्रश्न और डी नंबर है पार्वती मंगल। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, रामज्ञा प्रश्न। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कवितावली किसकी कृति है? नंबर एक रहीम दास, बी नंबर है तुलसीदास, सी नंबर है कबीरदास और डी नंबर है रसखान। तो कवितावली जो है वो तुलसीदास जी की कृति है, इसलिए राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रामचरितमानस का पांचवा कांड कौन सा है? नंबर एक है उत्तरकांड, बी नंबर है अयोध्या कांड, सी नंबर है लंका कांड, डी नंबर है सुंदरकांड। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, डी नंबर सुंदरकांड, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की,
रामचरितमानस की प्रथम टीका किसने लिखी? नंबर एक शिव नारायण दास ने, बी नंबर जगन नारायण दास ने, और सी नंबर है रामचरण दास ने, और डी नंबर है गुरुशरण दास जी ने। तो रामचरितमानस का जो प्रथम टीका है वो लिखा था श्री रामचरण दास ने, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवितावली यानी कि हनुमान बहुक समेत की रचना कब हुई? नंबर एक है संवत 1650, बी नंबर है संवत 1631, और सी नंबर है संवत 1560, और डी नंबर है संवत 1621। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, संवत 1631। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास किस संप्रदाय से प्रभावित थे? नंबर एक शैव, बी नंबर है श्री संप्रदाय, और डी नंबर है स्मार्त, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, श्री संप्रदाय से प्रभावित थे श्री तुलसीदास जी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शिव सिंह सेंगर ने तुलसीदास का जन्म कहां माना है? नंबर एक इटावा, बी नंबर काशी, सी नंबर राजापुर बांदा, और डी नंबर है सोरो। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शिव सिंह सेंगर ने भी इनका जो जन्मस्थान माना है वो माना है राजापुर बांदा में। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्त चर्म महदे मम तामे जैसी प्रीत पंक्ति तुलसीदास के लिए किसने कही? नंबर एक पद्मावती, बी नंबर फुलसी, और सी नंबर है रत्नावली, और डी नंबर है कनकावती। तो ये जो पंक्ति ठीक है वो तुलसीदास जी के लिए लिखी गई थी, वो लिखा था तुलसीदास जी ने। ठीक है, यानी कि इनके पत्नी ने ही लिखा था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक किसने कहा? नंबर एक सूरदास ने, बी नंबर श्याम सुंदर दास ने, और सी नंबर गिरसन ने, और डी नंबर है स्मृत ने। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, ग्रेसर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण गीतावली में कितने छंद हैं? नंबर एक 80, बी नंबर है 60, जी नंबर 51, और एच नंबर है 61। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 61। ठीक है, एच नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहावली किसकी कृति है? नंबर एक मीरा, बी नंबर रहीम, सी नंबर तुलसी, डी नंबर है जायसी। तो सिंपल सा राइट आंसर है श्री तुलसीदास जी हैं दोहावली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है निम्न में से कौन सा रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है? नंबर एक यज्ञ रूपक, बी नंबर मान रूपक, और सी नंबर रथ रूपक, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर मान रूपक। निम्न में से कौन सा रूपक तुलसीदास का सबसे बड़ा रूपक है? वो है मान रूपक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कविता करके तुलसी ना लसे पंक्ति के विषय में किसने कही? नंबर एक निराला, बी नंबर पंत, सी नंबर रामकुमार वर्मा, और डी नंबर है हरि औध जी ने। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, हरि औध जी ने कही थी कविता करके तुलसी ना लसे पंक्ति। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार भी पूछा जा चुका है, तो आप इसको रट लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तुलसीदास को किसने अनुप्रास का बादशाह कहा है? नंबर एक रामचंद्र शुक्ल, बी नंबर अकबर, और डी सी नंबर है डॉक्टर उदय भान सिंह ने, और डी नंबर है रामविलास शर्मा ने। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह कहा था। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास किस भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर एक है राम भक्त, बी नंबर कृष्ण भक्त, सी नंबर दोनों, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन जाना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कृष्ण भक्त के हैं कि राम भक्त के हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, राम भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं श्री तुलसीदास जी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है? नंबर एक केशवदास, बी नंबर रहीमदास, सी नंबर सूरदास, डी नंबर है कबीरदास। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा
सी नंबर सूरदास। तुलसीदास की जो गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है, वो सूरदास की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो रट लीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदो मुनिपद कंज भवानी जह निर्मोह में कौन सा अलंकार है। बंदो मुनिपद कंज भवानी जह निर्मोह में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन नंबर एक है यमक, बी नंबर है उपमा, और सी नंबर है रूपक, और डी नंबर है उत्प्रेक्षा। तो निम्न में जो अलंकार पाया जा रहा है वो पाया जा रहा है क्या, आप में से जिन स्टूडेंट को मालूम है बेसिक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और एग्जाम में भी बहुत ही हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, रूपक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखते कौन सा है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तो तुलसीदास के जन्म के मैंने पहले ही बता दिया था कब हुआ था, इनके बहुत सारे मतभेद हैं, तो आप में से जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम है बेशक वो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा इन ऑप्शनों में से। ठीक है, इन ऑप्शनों में से नहीं है तब भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों का क्या सजेशन है, आप लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं कि इनके जन्म के ज़्यादा मतभेद इस डेट को ही माने जा रहे हैं, तो आप लोगों को इस आंसर बताना है कमेंट में। फिलहाल मैंने तो बता ही दिया था पिछली वीडियो में, और फिलहाल मैं भी रिसर्च कर लूँगा कि एग्जैक्टली क्या मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे कवि हैं, सब अपने अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं, तो मैंने तो डिसाइड कर लिया इसमें से एक मुझे मिला है, लेकिन आप भी बताइएगा राइट क्या होगा फिलहाल। ठीक है, तो आपके 50 यानी कि 50 क्वेश्चन क्लियर होते हैं इस वीडियो में। ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे आई होप, आशा करता हूँ। अगर आपको लगा हो कुछ डाउट तो आप फिर से ये वीडियो देख लीजिएगा, एक बार रिपीट कर लीजिएगा, तो आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब तुलसीदास जी से रिलेटेड आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, इन्हीं 50 क्वेश्चनों में आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो आपके एग्जाम में आएंगे तो ये वीडियो आपने देख ली है, तो आई होप आपको उसमें भी क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन का सही आंसर कर पाएंगे। अब आप लोगों को कमेंट करके ये हमें बताना है कि नेक्स्ट वीडियो किस कवि की आनी चाहिए, प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा, और कितने क्वेश्चन चाहिए, 50 चाहिए कि 20 चाहिए कि 30 चाहिए, ये आप लोगों को कन्फर्म करके हमें बताना होगा कमेंट में। ठीक है, हम करेंगे इसका वेट। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन मैंने PDF तैयार कर लिए, सारे क्वेश्चन मैंने वेबसाइट पे भी डाल दिए, कहाँ डाली ये मैं आप लोगों को बता दूं पहले। ठीक है, तो दोस्तों मैंने वेबसाइट आप लोगों के लिए बनाई है, जैसे आप लोगों को पता है। ठीक है, ये sandeepinfo.com वेबसाइट है, आप लोगों के लिए बनाई है, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाले हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने 50 क्वेश्चन और आंसर दोनों हाईलाइट करके वेबसाइट पे डाल दिया है, तो आप ऑनलाइन यहाँ से भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं जाते समय या कहीं पर थोड़ा टाइम मिला तो पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन गूगल पर सर्च करके। ठीक है, तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जनरली आप याद कर लीजिए हमारी वेबसाइट का नाम है sandeepinfo.com, सिंपल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने और भी बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, तो वेबसाइट पर विजिट करिए और सारे क्वेश्चन पढ़िए, आई होप को पूरी सफलता मिलेगी। और ये आपके भाई का फेसबुक पेज है, अगर आप इसमें हमें फॉलो करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं, इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जिन स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, बेशक वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका 100% रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, जिससे ज्वाइन होकर आप सारी तरह की हेल्प ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय दोस्तों।